हाँ तो यार कैसे हो सारे, आई होप यार अच्छे होंगे। तो यार आज हम बात करने जा रहे हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन्स की यार, जिसका एपिसोड 1 आज आया है। और मतलब जिसे मैंने अभी देखा और इसको देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा यार कि क्या ही चीज़ है यार, भाई साहब बवाल, मतलब कमाल, और क्या ही बना दिया है मतलब इसको। और मैं बताना चाहूँगा कि हाउस ऑफ द ड्रैगन्स के एपिसोड मतलब 1 ही अभी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आया है, तो आप देख सकते हैं वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसको देखने के बाद मेरा तो मतलब जो ओपिनियन रहा है उसको मैं इस वीडियो में बात करूँगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसको देखने के लिए आपको गेम ऑफ थ्रोन्स देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब इसमें जो गेम ऑफ थ्रोन्स की पहले की कहानी दिखाई गई है। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गेम ऑफ थ्रोन्स देख लेना चाहिए, क्योंकि भाई वो तो मतलब इसके जो रेफरेंस है ना, आप वो समझ नहीं पाएंगे कि गेम ऑफ थ्रोन्स का मतलब जो। तो मैं तो कहूँगा आपको गेम ऑफ थ्रोन्स देख लेनी चाहिए। और ओवरऑल बात करें इसके हाउस ऑफ द ड्रैगन्स के एपिसोड 1 की, तो यार ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ तो यार मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, मगर मैं इतना बताना चाहूँगा कि इसमें एक कहानी दिखाई गई है एक किंग की, जिसे चाहिए अपने मतलब अपना वारिस जो कि उसके थ्रोन्स मतलब उसके किंगडम को चलाए, और वही चीज़ वो कैसे उसको पाता है उसके लिए ये मतलब एपिसोड 1 में उसी का दिखाया गया है। और इसका एक सीन जो था मतलब 18+ था यार, उसको देख के तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया, मतलब क्या ही बताऊँ यार। यार मतलब बाप और बेटी, खैर छोड़ो वो छोड़ो, मतलब आप अकेले में देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ यार इसका जो मतलब खून ख़राब है यार, तो गेम ऑफ थ्रोन्स है तो मतलब हाउस ऑफ द ड्रैगन उसी के पार्ट है, तो इतना तो बनता ही। और ओवरऑल मैं बताऊँ तो आपको ये सीज़न मतलब देखना चाहिए और ज़रूरी देखना चाहिए, क्योंकि यार मतलब जो आप ग्राफिक्स देखोगे ना, जो आप मतलब विजुअल्स देखोगे इसमें, वो सच में आपको लगेगा कि हाँ मतलब ये सब रियलिटी लगती है यार। और इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको ये देख लेना चाहिए। और हिंदी लैंग्वेज में अभी नहीं आया है, पर हिंदी लैंग्वेज में जल्दी ही आ जाएगा। अगर आप हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखें, क्योंकि यार इसकी जो फीलिंग्स है वो इंग्लिश में ही ज़्यादा पसंद आएगी आपको, क्योंकि यार ये तो गेम ऑफ थ्रोन्स का ही पार्ट है ना। तो खैर ये था मेरा रिव्यू।